गाइस, आज मैं शुरू अगले दिन के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है अपने व्हाट्सएप को कि आप जो अपने व्हाट्सएप मैसेज को कैसे शेड्यूल कर सकते हैं। सो शेड्यूल का मतलब आपको समझाना बहुत ही जो है ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो है इस वीडियो को फिर पता नहीं चलेगा। आपको बता दूँ सबसे पहले कि शेड्यूल का मतलब क्या होता है। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप शेड्यूल का मतलब ये है कि अगर आप किसी को भी अपने रिलेटिव को, अपने जो जानने वाले को, अपने दोस्त को मैसेज करते हो, लेकिन बात कर इस तरह होता है कि हमें जो है वो एक टाइम पे यानी कि मैसेज करना चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पर देखिए 11:14 हो गया, यानी कि 11:15 हो गए हैं, तो मैं चाहता हूँ मुझे जो है 12 बजे जो है किसी में अपने दोस्त को जो है इन्फॉर्म करना है कि मैं जो है इधर उधर हूँ, यानी कि इन्फॉर्म करना है 12 बजे जो है उसको मैसेज करना है। तो मेरे पास जो 12 बजे के दौरान नेट नहीं होगा, क्योंकि मेरा पैकेज ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से मैं जो आपको स्टोरी सुना देता हूँ, तो मेरा पैकेज ख़त्म हो जाएगा, मैं कैसे करूँगा उसको मैसेज, अगर कुछ भी उसको इन्फॉर्म करना है तो कैसे करूँगा वो, मैं बस उसको कहते हैं शेड्यूल। पहले आप जो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, इसका नाम है स्कैड इट एप्लीकेशन। बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है, और आप जो सिर्फ इसको जो है फेसबुक वगैरह भी यानी कि कर सकते हो शेड्यूल, ज़रूरी नहीं सिर्फ व्हाट्सएप। तो ये जो एप्लीकेशन है इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो इसकी देखिए 100,000 के 1,00,000 प्लस जो इसके 3.9 रेटिंग और 1,00,000 से ज़्यादा जो इसके डाउनलोड्स हैं, और आप जो इसको व्हाट्सएप, SMS वगैरह यानी कि ईमेल वगैरह, कॉल, फेसबुक वगैरह सब कुछ शेड्यूल कर सकते हो व्हाट्सएप बिजनेस में भी। सो अब हम चलते हैं अपने इस एप्लीकेशन में, और यहाँ पर हम इसको करते हैं ओपन, और हम आपको बता देते हैं कि आप जो कैसे इसको शेड्यूल कर सकते हो। तो ये जो आपको सबसे पहले साइन इन करेगा, तो आपको जो क्रिएट अकाउंट करना है सबसे पहले आपने, और यहाँ पर आपको जो मैं फटाफट से क्रिएट अकाउंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको एग्री के बटन पे क्लिक करना पड़ रहा है, एग्री के बटन पे क्लिक करो और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करो, और सिंपली लोडिंग होगा और आपका जो अकाउंट बन जाएगा। तो आपको वेरिफिकेशन कोड भेजेगा ईमेल पर, तो हमें जो है वहाँ पे जो है सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको जो आपकी ईमेल पे मेल आएगी। करते हैं हमारा जो ये वाओ, हमारा जो ये वहाँ पे आ जाएगा। अब आपको जहाँ पे भी मैसेज शेड्यूल करना है आपको क्लिक कर लेना। फॉर एग्जांपल, अगर अभी यहाँ पे 11:15 हुए हैं, तो मुझे जो है 12 बजे मैसेज भेजना किसी को, तो वो जो हम कैसे भेजेंगे, व्हाट्सएप पे हम क्लिक कर देते हैं। और तो ये जो हमें व्हाट्सएप और फेसबुक सेलेक्ट कर लिया, इसको करने के बाद हम जो है डन करते हैं, डन के बटन पे क्लिक करना है, और ये आपके बाद आ जाएगा व्हाट्सएप बिजनेस, व्हाट्सएप हम जो है व्हाट्सएप कर। दोस्तों, यहाँ पर मैं जो है व्हाट्सएप को अपना जो क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो है हमने इसको एक हाँ इसको हमने जो है एक्सेसिबिलिटी देनी पड़ेगी, यानी इसको परमिशन देनी पड़ेगी। तो ये है हमारा ये स्कैडिट, इसको जो ऑफ है तो हमने जो इसको ऑन कर लेना जस्ट, और ओके के बटन पे क्लिक करो, और ये आप जो है रीड कर सकते हो कि आपके क्या क्या परमिशन मांग रहा है ये। उसके बाद में आपको जाना होगा बैक एंड फिर से बैक, और हाँ, अब आपको जो भी मैसेज यानी कि शेड्यूल करना है, जो आपको मैसेज 12 बजे भेजना है, वो जो हम यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं करता हूँ अपने आपको हाय, और यहाँ पर हमने जो है अभी टाइम हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए 11:29 हो रहे हैं, तो हाँ 11:28 हो रहे हैं, तो हम जो चाहते हैं 11:29 PM को जो है ये हमारा मैसेज चले जाए। और आप और भी सेटिंग आप जो है देख सकते हैं, रिपीट भी हो सकता है, और नो रिपीट हमने लगाया है। तो आप जो अगर कोई पिक्चर वगैरह भेजनी है, वो भी आप यहाँ ऑप्शन मिल जाती है, तो ग्रुप से तो वो भी आपको मिल जाएगा। अपना नंबर ऐड करना है यहाँ पे व्हाट्सएप पे, या ले जाएगा। तो मैं जो अपने आप को सेंड कर रहा हूँ अभी, ठीक है, और मैंने यहाँ पे जो है हाय पे लिख के शेड्यूल कर दिया। जैसे ही 11:29 होएंगे, मुझे जो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा शेड्यूल मैसेज सक्सेसफुली, और अब जो मुझे एक मैसेज आएगा। तो देखिए ऑटोमेटिकली जो ये होने लग गया है, ये देखिए मैं टच नहीं कर रहा, खुद ही होने लग गया। तो ये जो है देखिए मैसेज शेड्यूल हो गया है, और ये जो हमारा मैसेज ऑटोमेटिकली जो है सेंड हो गया है, और मुझे नोटिफिकेशन भी आ गया है, ये देखिए ऊपर स्कैडेड वालों की तरफ से, योर मैसेज हैज बीन सेंड। तो ये देखिए आप जो है इसको इसी तरह से आप जो है शेड्यूल मैसेज कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं आप जो है अगर आपने कोई पिक्चर यानी कि अपलोड करनी है फेसबुक पे, वो भी आप जो शेड्यूल कर सकते हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप जो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक, न्यू ट्रिक के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।